जय श्री राम भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स का 16 किल्स विनर विनर चिकन डिनर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। साथ पीछा ना पड़ेगा और आई गेस इनके प्लेयर्स आ चुके हैं कवर प्रोवाइड करने के लिए। नहीं, पिछले रंगल के मुकाबले में एक छोटी सी गलती हुई कैनेडी की और वो गेम हाथ से निकल गया था। कोशिश करनी पड़ेगी इन्हीं छोटी गलतियों को ना करें, एलिमिनेट करने का ट्राई करें ताकि आप कुछ अच्छे मूव बना सके और लंबा सर्वाइवल दिखा सके। जादू यहाँ पे डाउन है लेकिन सही समय पे कैनरी आ चुके हैं। चलिए गाड़ी फट सकती थी लेकिन अब इनकी तरफ भी प्लेयर आते हुए कैनरी पे भी शॉट आ रहे हैं। सामने की तरफ प्लेयर आएंगे, लो एच पी किया जरूर था कैनरी ने। अभी के लिए वो स्प्रे तो अच्छा था लेकिन अभी के लिए डिफेंस भी उतना ही अच्छा साथ में है लेकिन अभी सर्वाइवल की सर्कल के बाहर मौजूद दिख रहे हैं। कुछ स्प्रे ज्यादा के द्वारा चलती दिखी जरूर से है बट आप देखिए यहाँ स्लग के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। वो ग्रेनेड अगर सही लैंडिंग देती वो खिलाड़ी डाउन किया सकता है। ग्रेनेड तो गई बट साथ में वो स्प्रेज एक अच्छा कलेक्शन ढूंढने की कोशिश। एचपी बहुत ज्यादा कम करी। अनदर ग्रेनेड कमिंग अराउंड द सेम एरिया, बड़े आराम से कनेक्शन। K9 का स्क्वाड पिन पॉइंट सेंटर पे बैठी हुई है सर्कल के। फॉर श्योर बट आप देखिए मार्कोस खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं वो दिक्कतें आएंगे। विदाउट द एचपी ही वाज नॉट इवन हैविंग दोस फर्स्ट बी कम कुछ एक आधे बुलेट्स और जैन का भी सफर समाप्त दिखेगा। और जी हां लीजिए वही कल के ब्लास्ट होगी, उससे पहले इस खिलाड़ी को उतार दिया जाएगा। टीम मार्कोस गेमिंग के वो आखिरी खिलाड़ी बचा डेबिट लेने के लिए आगे बढ़े लेकिन कंपाउंड है कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 12 फ्रेशर्स हैं इस टीम के पास। और हमने बात की थी जब एक एग्रेसिव टीम का नाम बताया, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का नाम जहन में रखिए एक बार को आ ही जाता है। तारीफ में थोड़ी ज्यादा होगी निंजा भाई को डाउन करने में सक्षम ने खिलाड़ी बैटल में। आई एम प्रीटी श्योर टीम गॉडलाइक जरूर फायदा उठाएगी लेकिन ओपनिंग मिलती हुई ह्यूमनॉइड का ग्रेनेड बीस्ट को करेगा डाउन। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एक खिलाड़ी पुश जरूर किया था लेकिन वो पुश का फायदा नहीं हुआ। निंजा बॉय भी डाउन होते हुए बिलीव लो एचपी पे है। ट्रायआउट द्वारा शेर को टेक डाउन कर दिया गया है। आदित्य ने बिलीव को डाउन कर दिया है। K9 के पास जो एडवांटेज था वो भी हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। सरदार जी व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, वी आर इनटू द ट्रिपल थ्रेट मैच जहां पर K9 के लिए सिचुएशंस बहुत खराब हो चुकी है। दे रियली नीड अ गुड रीसेट राइट नाउ बट टीम गॉड लाइक वो मौका दे तब ना आदित्य की नेड ह्यूमनॉइड को करेगी बाहर। ड्रीस सपने तोड़ने आ चुके और टीम गॉड लाइक को बाहर किया, खत्म किया। लेकिन अब यहाँ पर ड्रीम्स अकेले बचे, आंखों में वो सपना उस चिकन डिनर का आई डोंट थिंक सो ज्यादा देर तक टिकने वाला बिकॉज ग्लोबल ईस्पोर्ट्स दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर वॉकिंग ऑन फायर, दे रियली रियली वांट दिस। बना बना चिकन रहा।